शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शवनी, दरवाजा खोलो। शवनी, शवनी क्या कर रही है? तुम ठीक तो हो ना? शवनी, शवनी, शवनी प्लीज दरवाजा खोलो वरना। रोहन, प्लीज जाओ यहाँ से। अरे कैसे चले जाएं? फिक्र हो रही है हमें तुम्हारी। फिक्र मत करो हमारी, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। ये लड़ाई हमारे अकेले की है रोहन, और हम अकेले लड़ लेंगे। हमें अकेला छोड़ दो रोहन। श्रवणी कैसे छोड़ दें अकेला? दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते, और ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन याद रखो हम यहीं खड़े दरवाजे के इस पार। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ना ले लो, पर प्लीज संभालो अपने आप को। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए। श्रवणी, श्रवणी प्लीज संभालो अपने आप को। हम एक बार फिर तुम्हारे घर वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। चल का रहा है इस घर में? ये शरीफ बहुओं के लक्षण है का अम्मा जी? अपने पति को जेल भिजवा दिया और अपने आसिक को घर ले आई, और वो दंदनाता हुआ उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चला गया। हमको तो लग ही रहा था कि कुछ है इन दोनों के बीच। हम सब दुख नहीं देना चाहते थे सबको साफ साफ बात करके, पर ऊपर वाले का खेल देख लो, सब कुछ सबके आंखों के सामने खुद ब खुद आ गया। ये आपके तेवर से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। बचपन से ही, और आप जैसे लोगों से निपटना हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए एक बात हमारी कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमें पता चला कि आप श्रवणी के साथ कुछ गलत कर रही हैं या करने का सोच भी रही हैं, तो मान के चलिए बहुत पछताएंगे। हमको धमकी दे रहे हो? और हम इन धमकियों से डरते नहीं हैं, काहे कि हम कुछ नहीं किए हैं। रासलीला तो तुम लोगों ने रचाई है। हमारे पास अभी वक्त नहीं है ये सब चीजों का। हमारा दामाद को वहां पर पुलिस लेकर गई है, और हमारी बेटी यहाँ पर मंडप पर दुल्हन बने खड़ी है। अभी हमको पहले उसको छुड़ाना है। अखिल जी चलिए छुड़ाने का इंतजाम करते हैं। हाँ चलिए, जमानत कराते। अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जमानत करवा दी है हमने,
और अपनी शिकायत भी वापस ले ली है। हम केवल ये शादी रोकना चाहते थे, जो रुकी नहीं, और अब देर भी हो चुकी है। अम्मा, पुलिस ने छोड़ दिया है उन्हें, शिवांश बस घर ही लौट रहे हैं, लेकिन हम और हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहे। बाबा, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाती है वो बेटिया? जब घर से विदा होकर तो निकलती है, लेकिन ससुराल से निकाल दी जाती है। इसी सवाल का जवाब जानने जा रहे हैं माँ। पर श्रवणी, इस हालत में एक काम करो, हमारा एक घर खाली पड़ा है, तुम वहां चाहो तो जाकर रह सकती। देख रही हैं अम्मा जी, जब तक श्रवणी की मां जिंदा है उसे कहीं जाके रहने की जरूरत नहीं है। शिवांश के पापा के बाद ये मकान हमारे नाम पे है। और आज हम इसका बंटवारा करते हैं। बंटवारा? आधा हमारे बेटे शिवांश का और आधा हमारी बेटी श्रवणी का। श्रवणी हमारे साथ रहेगी। पति को तो तुमने गोली मार दी, अब उसके मकान पर हक जमा रही है? बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। आज तक जैसे आपने इस घर के बेटों के मुंह में अपनी आंख और अपने कान बंद रखे हैं, अब भी बस वही कीजिए। हम ना किसी का हक छीनेंगे और ना ही आज के बाद किसी को अपना हक छीनने देंगे। चलो बेटा। लेकिन माँ, माँ भी कहती हो और विश्वास भी नहीं करती। आज से तुम इसी घर में रहोगी। शमी, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। चलो अंदर चलो। Thank you.
एक मिनट, देखिए कौन इंतजार कर रहा है। आ जा स्वीटी, आरती उतार। अम्मा जी आइए आइए। शिवांश, हमें ना तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अम्मा जी आप आशीर्वाद दीजिए दोनों को। तुम इधर दो, तुम खड़ी हो जरा साथ में। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। अम्मा जी हम आशीर्वाद दे दें। हाँ हाँ आइए। बहुत प्यार करती है तुमसे हमेशा से, किसी की नजर ना लगे पर हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अगर कोई रहने दे तो, है ना अम्मा जी? का है ना, ने बंटवारा करवा दिया है घर का। क्या बंटवारा? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। वसुधा जी ने कहा है कि ये घर उनका है और इस घर के दो हिस्से होंगे, एक श्रवणी का और एक आपका। खैर हम भी का बातें लेकर बैठ गए, अब आप लोग नई गृहस्थी की शुरुआत कीजिए। स्वीटी तुम्हारा कमरा ऊपर है। वो एक तरफ है और वो ही ठीक है। इस जंजाल में तो भूल ही गए थे कि शादी के बाद बोझ होना चाहिए। जो हुआ नहीं कोई बात नहीं, हम गोरखपुर की सबसे अच्छी जगह पे आप लोगों को खाना खिलाने लेकर चलते हैं। हाँ मम्मी चलिए। हाँ हाँ चलिए। अरे हम भी बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाए ना। चलिए नानी चलिए। नहीं नहीं हम नहीं, हम रहते हैं। अरे ऐसे कैसे, अम्मा जी के बगैर कैसे जा सकते हैं। अम्मा जी चलिए 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 जवाई बाबू चलिए चलिए। सोचते हैं आज देवी मैया से लड़ ले, पूछे उनसे कि वो अपनी परम भक्त श्रवणी की इतनी बड़ी परीक्षा कैसे ले सकती है। हमने तो खुद अपने सवालों की पोटली माता रानी को दे दी है माँ, अब इनका मन होगा तो ये खुद सब कुछ हल कर देगी। और अगर हल ना निकला तो हल तो निकलेगा मां, ये देखना है कि वो हल हमारे हक में है या नहीं। पता नहीं शिवांश को हो क्या क्या है, वो तुम्हें परेशान कर कर खुश कैसे रह सकता है। चलो कोई तो खुश है मां,
ठीक है तो आज उसकी खुशी और बढ़ा देते हैं। शिवांश ये यह क्या कर रही है? लो, प्यार का आखिरी त्याग भी कर दिया, सजा दिए तुम्हारी सेज। अरे लूटे हम हैं, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? खैर, शादी मुबारक हो। एक मिनट, लीजिए कि आपके लिए है। हो गया आपका, अब आप जाइए यहां से। ये रात हमारी है और ये कमरा भी हमारा है। तुम क्यों कर रही हो तमाशा? जाओ यहां से, अभी जाओ यहां से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है स्वीटी, कुछ भी नहीं। ना ये सुहाग रात, ना ये कमरा, ना ये पति। एक बात जानती हूँ स्वीटी, मांग में सिंदूर भर लेने से कोई धर्म पत्नी नहीं होती है। एक ये सिंदूर ही ऐसी चीज है जो उधार पर नहीं मिलती, इसलिए भीख में दे रहे तुम्हें। तुम्हारे इस उधार के पति का नाम एक हिस्सा अभी भी हमारे पेट में पल रहे। और इतना काफी हमारे जीने के लिए। चलो बाबू,
पापा को गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट कह रहा है बाबू आपको। गुड नाइट। हम जिंदगी भर आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। खड़ी क्यों? जाओ, अब तो जाओ। तुम ठीक तो? आज से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, ये नौकरी छोड़ दो। आप कॉलेज जा रही है ना, ये लीजिए, ये हमारा इस्तीफा कॉलेज के डीन को दे देना। आपकी अपनी श्रावणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।